हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका विकास सर स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि हाँ नेवी में वैकेंसी आया है 112 पोस्ट के लिए 52 अलग अलग ट्रेड्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पूछा था उस वीडियो में कि अगर इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। कल ही बोला था बनाने के लिए, लेकिन कल किसी थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं बना नहीं पाया, इसलिए आज बना रहा हूँ। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आगे वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक एक चीज़ समझिएगा, फिर बाद में कमेंट में हम लोग पूछने लगते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अगर आप आगे बढ़ूँ तो जो सब्सक्राइबर उनके लिए तो ठीक ही है भाई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और जो न्यू आए हैं प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो सर वीडियो को लाइक कर ले। देखिए आपको आना है andaman.gov.in, ठीक है। अंडमान के तरफ से ये निकला हुआ, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये निकला हुआ वैकेंसी है। जैसे जाके जानते हैं कि इंडिया का ये यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे आना है, यहाँ आने के बाद सबसे नीचे चले जाइएगा, ठीक है। सबसे नीचे जाने के बाद में यहाँ पे लिंक मिलेगा आपको ई रिक्रूटमेंट लिंक्स, ठीक है। HTTP ई रिक्रूटमेंट अंडमान, ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके क्लिक कीजिएगा, फिर ये चला जाएगा आपके रिक्रूटमेंट वाले पेज पर। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आता है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ बैरियर अंडर डायरेक्टर ऑफ PT अंडमान निकोबार, उसको रहने दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर आप पहले से कभी इसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आना है और आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसको ओपन करके पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर जाइएगा अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। उतना करने के बाद में आपका फॉर्म, सॉरी थोड़ा सा पॉपअप कुछ मैसेज कर रहा है, देखते हैं खुलता है कि नहीं। खुल गया, तो पॉपअप को कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है आपका टोटल 5 अलग अलग चीज़ों में भराएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड, कन्फर्म एंड सबमिट। तो पहले में जैसे नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज एज ऑन, ये सारी चीज़ें जो भर रहे हैं ना आप, नाम, पापा का नाम, अपना नाम, ये मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा वहीं डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी वही डालिएगा जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा। ये एज अपने आप ले लेगा, ईमेल आईडी डालिएगा, जेंडर डालिएगा, कैटेगरी डालिएगा, मैरिटल स्टेटस डालिएगा, मतलब आप शादीशुदा है तो शादीशुदा, नहीं तो मैरिड है तो मैरिड डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, नेशनलिटी तो इंडियन ही रहेगा, यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा, वेदर डोमिसाइल ऑफ ANA मतलब अंडमान निकोबार के अगर आप निवासी है तो यहाँ पे एस डालिएगा। उसी तरह से वेदर DRM कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, है तो यस, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब पहले से आप किसी गवर्नमेंट की संस्था में काम करते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एबिलिटी टू रीड एंड राइट इंग्लिश और हिंदी, आप क्या आप शुद्ध इंग्लिश और हिंदी पढ़ पाते हैं, ठीक है, या लिख पाते हैं, तो यस कर दीजिए, तो नो कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ बढ़ा लीजिएगा। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो कम्युनिकेशन एड्रेस से भी कर सकते हैं सेम होगा तो यहाँ पे सेम एज एव कर दीजिएगा, तो दोनों में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स पर, चूँकि मैं फॉर्म भरा नहीं इसलिए नेक्स्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कर दीजिए तो एजुकेशन डिटेल्स पे आ जाएगा, वहाँ पे आपका एजुकेशन का डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स मांगा गया है, उसका क्वालिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद में अपलोड में मतलब आपका फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जैसे अगर कास्ट सर्टिफिकेट आएगा तो भी अपलोड मांगेगा। कन्फर्म एंड सबमिट मतलब एक बार जाके फॉर्म को आप रीड कर लीजिए, अगर कुछ भी गलती है तो वहीं पर एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा तो वो एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि फॉर्म कैसे भरना है, और भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।